आज मैं बनाने जा रही हूँ कोकोनट कुकीज। बहुत ही ज्यादा हेल्दी कोकोनट कुकीज हैं ये, क्योंकि ये बनी है होल व्हीट फ्लावर से। किसी भी तरह की इसमें रिफाइंड शुगर का भी हमने यूज नहीं किया है, और क्योंकि इसमें कोई रिफाइंड शुगर नहीं है और ना ही है मैदा, तो आप इसे खा सकते हैं जब आप हो डाइटिंग पर भी। जी हाँ, बनाना तो इनको बहुत आसान है ही, और खाने में भी ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं इन बढ़िया सी हेल्दी होल व्हीट कोकोनट कुकीज को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विभा, और चलिए शुरू करते हैं द मैजिक ऑफ फूड। कोकोनट कुकीज को बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ सबसे पहले 100 ग्राम घी। आप यहाँ पर घी या बटर कुछ भी ले सकते हैं। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा घी या बटर है वो होना चाहिए ठंडा। तो उसके लिए आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आप इसे यूज कीजिए, जिससे कि जब हम इसे फेटेंगे तो ये बहुत ही जल्दी से क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। और अगर आप बटर यूज कर रहे हैं तो बटर इतना ठंडा हो जाना चाहिए कि जब हम उसे टच करें तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, बिल्कुल मेल्टेड भी ना हो और बिल्कुल जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो 2 मिनट के लिए मैंने अपने घी को अच्छे से फेट लिया है। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ 80 ग्राम खांड। यहाँ पे मैंने देसी खांड का यूज किया है। आप चाहें तो यहाँ पे जैगरी पाउडर यानी कि शक्कर भी यूज कर सकते हैं। और अब इसे भी हम अच्छे से फेंट लेते हैं। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो हैंड विस्क से भी इसे अच्छे से फेंट सकते हैं। काफी बढ़िया तरीके से ये फिट जाता है, और इसे हमें फेंटना तब तक है जब तक ये एक क्रीमी टेक्सचर का ना हो जाए। और सिर्फ 5 मिनट में ही ये काफी बढ़िया सा क्रीमी टेक्सचर में बदल जाएगा। देखिए एकदम फ्लफी ये हो चुका है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्हिप क्रीम हो। और अब हम इसके अंदर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। तो यहाँ में मैंने लिया है 150 ग्राम होल व्हीट फ्लावर यानी कि गेहूं का आटा। ये वही गेहूं का आटा है जिससे कि हम घर में रोटियां बनाते हैं, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का, और इसी के साथ डालेंगे हम इसके अंदर 1/4 यानी 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा का। अच्छे से इसे हम छान लेंगे। आटे को यहाँ पे छान कर यूज ही कीजिएगा, उससे आटे में अगर कोई गुठली है वो भी क्लियर हो जाएगी और आटे में एयर भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, जिससे कि हमारी कुकीज बनेंगी बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज्यादा हमें इसे मिक्स नहीं करना है, यानी बहुत जोर से हम इसे मिक्स नहीं करेंगे। कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसे मिक्स करेंगे एकदम हल्के हाथों से। अगर हम इसे बहुत ज्यादा मिक्स करेंगे तो हमने अपने घी को फेंटने में मेहनत करी है वो सारी हमारी खराब हो जाएगी और हमारी कुकीज बनेंगी हार्ड। और अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध। दूध हमें यहाँ पे 3 से 4 स्पून डालना है कि थोड़ा सा हमारा जो कुकी का आटा है वो शेप ले ले, लेकिन ज्यादा भी हमें यहाँ पे दूध नहीं डालना है। और अब हम इसको थोड़ा सा हाथों से भी मिक्स कर लेंगे, लेकिन हल्के हाथों से ही हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से दूध को हम आटे के अंदर मिला देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1-2 चम्मच दूध और, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये मुझे अभी सूखा लग रहा है, तो 1-2 चम्मच और मैं इसमें दूध डाल दूंगी। और अब हम इसके अंदर डालेंगे कोकोनट पाउडर। ये डेजिकेटेड कोकोनट पाउडर है, फ्रेश कोकोनट हम यहाँ पे बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे नारियल का बुरादा ही यूज करेंगे। और इस तरीके से देखिए रब करके हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो आटे के साथ भी कोकोनट पाउडर को मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी मिला सकते हैं। और अब हमारा जो कुकी का डो है वो बहुत बढ़िया से तैयार हो चुका है। देखिए सारा जो डो है वो इकट्ठा हो चुका है, ज्यादा हम इसे नहीं गूंदेंगे, बिल्कुल जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं उस तरीके से हमें इसे नहीं गूंदना है, थोड़ा सा ये खिला खिला ही रहेगा। और अब हम अपनी कुकी को शेप करेंगे। तो एक छोटा सा पोर्शन हम अपने आटे का लेंगे और उसको एक लड्डू की शेप देंगे पहले, और फिर उसको फ्लैट कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमारी जो कुकी है वो तैयार हो जाएगी, और इसी तरीके से हम अपनी सारी कुकीज तैयार कर लेंगे।
तो ये हमने अपनी सारी कुकीज को अच्छे से शेप कर लिया है और अब हम इसे रखेंगे 15 मिनट के लिए फ्रीजर में। फ्रीजर में इसको रखना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार शिकायत आती है कि कुकी फैल जाती है, ढंग से बनती नहीं है, तो और जब हम इसे फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे तो जो उसका घी है वो अच्छे से जम जाएगा, तो बेकिंग के टाइम ये बिल्कुल नहीं फैलेंगे। 15 मिनट के बाद हमारी जो कुकी है वो ठंडी होकर तैयार हो चुकी है और अब हम इसे कोट करेंगे नारियल के बुरादे से। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको पहले दूध के अंदर डिप करेंगे और फिर उसके बाद इसको नारियल से कोट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम अपनी सारी कुकीज को नारियल से कोट कर लेंगे। तो अब हमारी जो कुकीज हैं वो नारियल से कोट होकर तैयार हो चुकी हैं और अब हम कुकी को बेक करेंगे। बेक मैं दोनों ही तरीके से कर रही हूँ आज। कुछ कुकीज मैं बेक करूंगी कढ़ाई में और कुछ कुकीज को मैं बेक करूंगी अवन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हमें कढ़ाई के अंदर बेक करना है। तो यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैंने सॉल्ट की एक लेयर बिछा दी है, यानी जो नॉर्मल नमक है उसकी लेयर बिछा दी है और उसे 10 मिनट के लिए हम प्री हीट करेंगे और फिर उसके बाद इसके अंदर एक स्टैंड रख के और हमारी कुकी की जो प्लेट है वो हम इसके अंदर रख देंगे, कवर कर देंगे इसे और फिर हम इसे बेक करने के लिए मीडियम हीट पर रख देंगे। मीडियम हीट पर ही हमें यहाँ पे रखना है, ना तो बहुत लो करनी है फ्लेम और ना ही बहुत हाई करनी है। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे बेक करेंगे। करीबन 10 मिनट लगेंगे इसे बेक होने में और अब हम देखते हैं कि हमें अवन में कैसे बेक करनी है। तो अवन भी मैंने यहाँ पर 150 डिग्री पर मैंने अवन को प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए और अब हम इसमें रख देंगे अपनी कुकीज और इसे भी बेक करेंगे। अवन में भी इसे करीब 10 से 12 मिनट लगेंगे या फिर जब तक आपकी डिजायरेबल ब्राउन कलर की आपकी कुकी ना हो जाए तब तक हम इसे बेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारी जो कुकीज है वो बेक होके तैयार हो चुकी हैं। ये फर्स्ट जो प्लेट है वो है हमारी अवन वाली और अब ये जो सेकंड प्लेट है ये है हमारी कुकर वाली। वायर रैक पर रखकर हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे, नहीं तो हमारी कुकीज सॉगी हो जाएंगी। दोनों ही कुकीज बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनी है, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। देखिए दोनों का ही टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया आया है, एकदम बढ़िया ये कुकीज बनी है। देखिए एकदम बढ़िया इसका कलर आया है, अंदर से भी देखिए एकदम पूरी तरीके से पकी है। और अब हम देखते हैं हमारी जो कढ़ाई में बनी वाली कुकी है, देखिए ये भी देखने में एकदम परफेक्ट लग रही है, ऊपर से नीचे से देखिए एकदम बढ़िया लग रही है और देखिए अंदर से भी एकदम पूरी तरीके से ये पक चुकी है। बहुत ही आसान है इन कुकीज को बनाना, आप घर पर इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा, चाहे आप इसे अवन में बनाइए चाहे आप बनाइए इसे कढ़ाई में, दोनों ही तरीकों से ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनती है। तो एक बार इसको ट्राई करना तो बिल्कुल बनता ही है और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही में अपने कमेंट्स भी मुझे जरूर भेजिएगा कि आपकी कुकी कैसी बनी है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।